अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। अरे जल्दी आ, भाग के आ। अरे अरे दरवाजा बंद करो। कर दिया। क्या कर रहे हो? अरे नाम क्या है? निखिल। क्यों? फादर का नाम? एसके पांडे। काम क्या करते हैं? ऑफिस में। ऑफिस में चुम्मा चाटे के अलावा क्या करते हैं? हैं? खाने में क्या पसंद है? डेट ऑफ बर्थ क्या है? गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? अरे प्यार करते हो या ऐसे ही टाइम पास है? देखो ना, देखो ना। क्या हुआ? क्या हो क्या रहे? लव लस्ट है। तुम हो कौन? है You asking me? हाँ, हो कौन? You asking me? कौन हो? See you soon. अरे? Hey, hello. ये बंदा था कौन?
स्पीकिंग सर, मैं इनर आई डिटेक्टिव एजेंसी से बोल रही हूँ। मिस्टर दयाशंकर जोशी आपसे बात करना चाहते हैं सर। जी सर, जी सर, सर प्लीज लाइन होल्ड कीजिए। सर, हाँ मिस्टर मुखर्जी, देखिए आपके केस को लेके एक इंटरेस्टिंग खबर आई है, आप यहाँ आ सकते हैं? नहीं नहीं, आप फोन पर ही बता दीजिए। देखिए, जिस लड़की के साथ आप अपने बेटे की शादी कराना चाहते हैं, उसका तो ऑलरेडी अफेयर चल रहा है किसी के साथ। इसका भी? निखिल पांडे नाम है। अच्छा? हाँ, उसके उसके घर के सब सबूत है हमारे पास। दोनों का साथ में फोटो मिलेगा? हाँ, दोनों का साथ में भी फोटो मिल सकता है। फिर ठीक है, तो आगे इन्वेस्टिगेट करूं या नहीं? नहीं, अभी आगे कुछ मत कीजिए, मैं बताऊंगा। ओके ओके, तो कल मैं बिल के साथ डॉक्यूमेंट्स भेज देता हूं। हाँ ठीक है। आपने 3,000 रुपए एडवांस दिए थे। हाँ। और 5,000 और बाकी है। ओके ठीक है। कौन है? आप मिस्टर दयाशंकर जोशी हैं? हाँ हाँ, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है या क्या हो रहा है? किसने भेजा है आपको मेरे पीछे? देखिए देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हुई है मैडम, हमें किसी ने अपॉइंट नहीं किया है। आप चुप रहिए, काहे की गलतफहमी? ज्यादा बनिए मत आप लोग, समझे? वो बुरा निकम्मा इंसान, उसके मोबाइल से ही मुझे आपका फोन नंबर मिला है। जाके कह दीजिए उसे कि मैं उसे और नहीं झेल सकती। अच्छी। उसका हंसना, उसका छूना, उसका सांस लेना भी मुझे बर्दाश्त नहीं होता। घिन आती है मुझे, घिन। नहीं 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 नहीं, मैडम मिस्टर शर्मा आपको बहुत प्यार करते थे, उनको तो मतलब इतने अच्छे इंसान थे, पुराने फोटोग्राफ दिखाए उन्होंने मुझे, बोले मेरा पहला नजर वाला प्यार है, लव इट फर्स्ट साइट। मैडम इतने अच्छे इंसान थे कि उन्होंने मुझे कोल्ड कॉफी पिलाई, इतनी कोल्ड थी सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, इतनी इतनी अच्छी कॉफी तो मैं बता नहीं सकता मैडम, बस पजेसिव था आपको लेकर, पजेसिव। बकवास बंद करिए। तो आपने कैसे कहा था कि आपको किसी ने अपॉइंट नहीं किया है? आइंदा अगर किसी ने मेरा पीछा किया ना, तो मैं आपकी ये दुकान बंद करवा दूंगी, समझे? याद रखिएगा। अनवर, 10 साल हो गए तुम्हें मेरे साथ काम करते करते, अब तक तुम ये बात नहीं समझ पाए? जासूस अपना काम छुपके छुपके करता है, दिस इज बेसिक। उस औरत को कैसे पता चला कि तुम उसका पीछा कर रहे हो? सर वो, उसका पति उससे प्यार करता है नहीं करता है तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम क्यों बीच में घुस रहे हो? और वो मुखर्जी का केस, नाम लेके फोटो खींचने की क्या जरूरत थी? इस तरह तो तुम अपना कंपनी का सबका नाम डुबो दोगे। सर वो मुखर्जी का क्या है ना, सच्चाई का पता चलना बहुत जरूरी था उस वक्त पे। वो बंदा उसको प्यार करता है या नहीं करता है, लड़की उसके हाथ में सेफ है या नहीं है, पता चलना मजे लूट रहा है, और प्रेग्नेंट हो तो क्या कर लेंगे? शट अप, प्रेग्नेंट, तुम जैसे सारे इडियट नहीं होते, और मैं जितना कहता हूं उतना सुनो, बाकी सब मुंह में डाल दो। हमारी कंपनी का गुडविल है, 40 साल पहले मेरे पिताजी ने एक कंपनी शुरू किया, व्हाट अ जीनियस मैन, एक अपने जमाने के बड़े शेरलॉक होम्स थे वो। सर आप पहले बहुत बार बता चुके।
ठीक है, कल सुबह जाके वो मुखर्जी से चेक कलेक्ट कर लेना और वो लड़की के फोटो और डॉक्यूमेंट्स दे देना। परसों से तुम्हारे लिए एक नया केस है। बैठो। आप लेफ्टी हैं सर? वाह सर, अगर थोड़ा कैश हो जाता तो। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। ये आपका बैलेंस पेमेंट है। लड़की का ओरिजिनल फोटो कहाँ है? यस, मुझे लगेगा सर, कुछ फोटो के प्रिंट्स हैं मेरे पास। ये और सर, इस केस को मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। मतलब मैं। दोनों का इकट्ठा नहीं ले पाए फोटो? कुछ लूंगा सर, कुछ दिन और दे दीजिए। नहीं, रहने दो। मैंने दो चार वो लड़कियां भी देखी थी, सब ऐसी निकली। नॉनसेंस। मिस्टर अनवार, आप लोगों में तो ये प्रॉब्लम नहीं होती होगी? हाँ, एक स्ट्रिक्ट सोशल डिसिप्लिन है। लड़कियों और लड़कों में इतना मिल मिलाप नहीं होना चाहिए, है ना? सर क्या है कि बदलाव हो रहा है जगह, हमारे यहाँ भी हो रहा है। और सर बहुत ज़रूरी, ये आपका बेटा है? बिल्कुल आपके जैसा है। सर आप इसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं? इसके लिए साथ सेलिब्रेट करेंगे। इस बार कहाँ लेकर जाओगे मुझे? कहीं भी, यहाँ तुम बोलो। एनी फाइव फ्लोर टीम। प्रदीप, मैंने डेट मिस कर दी। क्या मिस कर दी? यू इडियट, इतना भी नहीं समझते? मैंने कहा था ना प्रिकॉशन लो, तुमने ली नहीं ना? अगर कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, जो होगा देख लेंगे। यहाँ बैठ सकते हैं? डरती क्यों? डरो नहीं तोड़ते आप। मम्मी पापा से मिले तो बात की उनसे? सबसे मिलूंगा, हमारे नेबर से भी मिलूंगा, ट्रस्ट मी। सुनो, वो आदमी बहुत देर से हमारी फोटो ले रहा है। ये आदमी? हाँ, वो सनग्लास वाला। What? Huh? Hey, रुक, रुक। प्रदीप, प्रदीप। ओए, रुक। अबे रुक। साला। मिस्टर मुखर्जी, आप वाओ, व्हाट अ बाइसेप। आपके ड्राइंग रूम में घोड़े की बड़ी सी तस्वीर लगी है ना? माय गॉड, क्या तस्वीर है वो, कितनी बढ़िया है। कौन है तुम? बात क्या है? आपके फादर लेफ्टी या ना लेफ्टी? माय गॉड, क्या लिखते हैं वो।
आपके फादर आपके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं ना? सीधी तरह बताएगा कौन है तू? एक मिनट। और आप यहाँ दूसरी लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं? बाय द वे प्रेग्नेंट कर दिया आपने उसको, दिखने में तो ठीक ठाक है, शादी क्यों नहीं करते हैं? फादर आपके मेहनत कर रहे हैं और आप प्रेग्नेंट कर रहे हैं, पेट फुला रहे हैं? अरे रुक साला, रुक। अस्सलाम वालेकुम अनवर मियां। वालेकुम सलाम चाचा, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कभी मेरे अम्मी अबू से नहीं मिला ना है? कमाल की जोड़ी थी, एक दूसरे को इतना प्यार करते थे। वो फिल्म थी ना, क्या नाम था उसका, अमर प्रेम, अमर प्रेम की कहानी, राजेश खन्ना, बिल्कुल वैसे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर एक दूसरे को इतना प्यार करते थे तो सिर्फ एक पे कैसे आकर रुके, मतलब मेरे पे। मेरे चाचा के 14 बच्चे थे, अब ये मत पूछना कि कैसे हुए। मुझे लगता है अब्बू अम्मी को हमेशा खूबसूरत और जवान देखना चाहते हैं, और बात भी सही है, औरत है को बच्चे जन्म की मशीन थोड़ा ही है, बुढ़ा जाती है क्यों? क्या बोलता है? बोल। कुछ तो बोल। नहीं, हमेशा बोलता है। तू तो कुछ बोल। बोल। बोल अंग्रेज। मेरे अबू पोस्टमैन थे। पोस्टमैन का मतलब समझता है? खाकी वर्दी पहन के, टोपी लगा के, झोला टांग के निकल जाते थे खत बांटने। एक दिन में हजारों खत बांटते थे, उन हजारों खतों में हजारों कहानियां। किसी को नौकरी मिल गई, किसी की छूट गई, किसी की शादी हो गई, किसी की टूट गई, किसी के बच्चा हो गया, किसी के बच्ची हो गई, हजारों खत, हजारों कहानियां। तुझे कभी किसी ने खत लिखा है? तुझे कौन खत लिखेगा बे? तेरा मालिक, जिसने तेरे पिछाड़े पे लात मार के तुझे बाहर निकाल दिया था क्योंकि तुझे खुजली हो गई थी हैं? मैं ना होता तो इस शहर में तू यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आवारा कुत्तों की तरह घूमता रहता। मैं भी क्या करता, मैं भी अकेला था। इस शहर में किसी का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। तुझे याद है हमारी पहली मुलाकात, जब तू मेरे पीछे आ रहा था, मैंने पलट के देखा, तूने ऐसे किया, मैं तभी समझ गया था। साला आज बहुत चलते लालू, तुझे तेरी अम्मी याद आती है? मुझे बहुत याद आती है मेरी। अबे रुक, लालू इधर आ, सेठ। हाँ, मेरी अम्मी के अबू बहुत रेस थे,
लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो बचपन में मर गए थे जब अम्मी मेरी छोटी सी थी। छुट्टियों में हम अपनी नानी के यहाँ घूमने जाया करते थे। बड़ी सी हवेली थी, बहुत पुरानी, कभी दिखाऊंगा तुझे। और हाँ, एक चीज़ और दिखाऊंगा, माय ड्रीम गर्ल आयशा। ओह माय गॉड, क्या खूबसूरत थी वो, लंबे लंबे बाल, लंबी लच्छी, गोरी सी थी, हंसते तो गाल पे गड्ढा पड़ता था उसके, लंबे लंबे दांत, मुझे बहुत पसंद थे लालू। मुझे बहुत पसंद थे, वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी। लेकिन प्रॉब्लम थी, दूसरे मज़हब की थी वो, हिम्मत नहीं थी उसके अंदर। जिसके अंदर हिम्मत नहीं है उसका फ्यूचर नहीं, और फ्यूचर नहीं तो लाइफ लाइफ झंड है। शादी कर ली उसने किसी से, चली गई पता नहीं कहाँ। आयशा लग गए मुझे, तालाब पुट्टी कर रहा है, पूरे मूड कैसे की तैसी कर दे, सुरूर बनता है। लालू पोटी, चल पोटी करा। लालू, ओए लालू, तेरे दोस्त से लूट कर। ची 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 ची। देख लाल, इस शहर को देख, अजीब है। थोड़ी देर बाद इस शहर के सारे भूत आ जाएंगे। यहाँ के भूत भी एक दूसरे के पीठ पर खंजर भोंकते हैं, एक दूसरे पे शक करते हैं। मैंने कभी भूत देखा है? चल। क्या हुआ? क्या हुआ? 20 दिन से टट्टी नहीं हुई। कब होगी पता नहीं। आपको क्या हुआ? बहुत दिनों से किसी को लगाया नहीं। आपको क्या हुआ? दस साल से मैं सोई नहीं, दीन का सुख क्या होता है भूल गई हूँ। आप यहाँ रुकिए। हम्म,
अच्छा ऑफिस में जो आपने जानकारी दी थी उसके आगे बात करना चाहते हैं और थोड़ा सा बता दीजिए। जी ज़रूर पूछिए। जैसे जेसीडी में अकेले रहते थे वो, आपका आना जाना रहता था वहाँ पे, कभी आप रहे भी वहाँ पे? कभी कभार जाते थे, शनिवार को पापा ही यहाँ आ जाते थे। जी अच्छा, घर में कोई रहता था उनके अलावा, काम करने वाला या? नहीं, चाय नाश्ता खुद ही बना लेते और लंच ऑफिस में, रात बाहर खा लेते, नहीं तो बाहर से कुछ मंगवा लेते। अच्छा, पुलिस ने इंक्वायरी की थी तो उन्होंने कुछ बताया? नहीं, मैंने कोशिश की जी। उनका एक ही जवाब था, रेगुलर सुसाइड केस था। रेगुलर सुसाइड का केस। कोई ख़ास दोस्त जिसके साथ उनका उठना बैठना? दोस्त तो कई थे लेकिन हम सिर्फ मनोज अंकल को ही जानते हैं। मनोज श्रीवास्तव उन्हीं के ऑफिस में काम करते थे जी। हाँ, हम लोग जब भी जसीडी जाते वो हमसे मिलने आते थे। मनोज जी। अच्छा, मनोज जी ने कुछ बताया, आपने कुछ पूछा उनसे? बहुत बार पूछा जी, एक ही जवाब दिया, मुझे कुछ पता नहीं। मुझे समझ में नहीं आता वो क्यों ऐसा किए। जिस रात पापा ने, उस रात वो मनोज अंकल के साथ ही खाना खाने जाने वाले थे जी। हमें लगता है वो ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं। क्या क्या, क्यों छुपा रहे होंगे? पता नहीं, ऐसा लगता है कि कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, वो फोटो आपके पास होगा उनका, वो मुझे दे दीजिए आप। हाँ ज़रूर जी। अच्छा, ये आप हैं? हाँ। बहुत प्यारे आप दोनों में। कितना टाइम हुआ? अरे छोड़। कितना टाइम हुआ? टाइम ठीक नहीं है। कितना टाइम हुआ? 11 बजे। रुको रुको रुको, कितना टाइम हुआ? मिस्टर मनोज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं मोहम्मद अनवर। अच्छा अच्छा, आपने मुझे पहचान लिया। दरअसल कल जब आप ऑफिस आए थे तो मैं आपसे काफ़ी दूर बैठा था। कल जानबूझकर मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, सोचा कि बाद में बात कर लूँगा, इसीलिए कल रात को मैंने आपको फ़ोन किया था होटल में। देखिए मिस्टर अनवर, मैं पुलिस को कुछ भी नहीं कह पाया, इसलिए आपको कहना चाहता हूँ। ये बात ज़रा कॉन्फिडेंशियल है जी। वो क्या है कि सुधाकर और हम बहुत ही करीबी दोस्त थे, लेकिन वो एक संबंध में फंस चुका था और इसी की वजह से उसने खुदकुशी की। आप यदि उससे मिलना चाहते हैं तो जिस ट्रेन से आप आए हैं दो स्टॉपेज आगे आपको उतरना पड़ेगा। चचा, दो चाय लाना। हाँ लाया। दो दो, आइए। बैठिए।
पिछले कुछ दिनों से सुधाकर मुझसे दूर जाना चाहता था। क्यों? पता नहीं, उसमें हिम्मत नहीं थी। दरअसल उसके कहने पर ही हम दोनों, एक्चुअली वो जब मेरी जिंदगी में आया तब मैं किसी और के साथ था, फिर उसने जिद की और हम दोनों करीब आ गए। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं उसे प्यार करने लगा। आप लोगों में कब से ये? 10 साल, एक नहीं दो नहीं पूरे 10 साल। अच्छा, सुधाकर रेगुलरली कलकत्ता जाते थे अपनी फैमिली से मिलने, तो आपने कभी मना किया उनको जाने से? उससे मुझे क्या प्रॉब्लम? नहीं, मेरा मतलब वो अपनी बेटी से उसकी वो याद आती थी उसकी, वो उससे मिलने जाता था और वो मेरे पास लौट आए, बस मेरे लिए इतना काफ़ी था। वो अपनी बेटी से मिलेगा, इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम? अच्छा, उसने खुदकुशी क्यों की? पता नहीं, पर खुदकुशी करने वालों में से वो था नहीं, खुश मिजाज था एकदम। इनफैक्ट मैं डाउन हो जाता था तो नाच गाना वो हुड़दंग मचा देता था और किसी भी तरह मेरा मूड ठीक कर देता। अच्छा, उस हादसे से पहले आप लोगों के बीच में कोई अनबन या कुछ झगड़ा? हुआ था उस हादसे के एक रात पहले। बहुत बुरी तरह झगड़े थे हम। मैं बहुत गुस्से में था और मैंने बोल दिया कि मैं पुष्पा को सब कुछ बता दूंगा। पुष्पा? उसकी बीवी, मैं जानता था उसे। अच्छा, पुष्पा को कभी शक हुआ उस पे? सुधाकर का घर पे चेहरा ही अलग था, वो मुझसे दूर जा रहा था, ये बात मुझे साफ नजर आने लगी थी। वो ट्रांसफर लेकर कोलकाता जाने की तैयारी में था, जब मुझे पता चला तो खून खौल गया। मैंने कहा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे इस रिश्ते को लेकर कोई डर नहीं था, पर सुधाकर, उसे आखिरी दम तक ही मानने में तकलीफ थी। आप तो जानते हैं सोसाइटी कैसे देखती है ऐसे रिश्तों को, बंच ऑफ हिपोक्रेट्स,
सब कुछ छिपाते हैं कारपेट के नीचे। दम घुटता है मेरे ऐसे माहौल में। एक्सक्यूज मी। आपने कहा आप हमारे रिश्ते की कद्र करते हैं, इसलिए दिल खोल सका, अपनी जिंदगी शेयर कर सका आपसे। यकीन मानिए, मैंने कभी नहीं चाहा था कि वो अचानक अपनी जान दे दे। मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ। गाड़ी रोकना, गाड़ी एक नंबर या दो नंबर, दो नंबर के लिए अपने पास टाइम नहीं है। एक नंबर। जल्दी कर, कितना टाइम लेगा? क्या कर रहा है बे? अबे ओ, क्या हुआ बे? जस साला, यही मत। आयशा, आयशा याद है मुझे? तुम्हारी हमेशा याद आती रही, बहुत याद आई। मैं कभी भुला नहीं पाया तुम्हें। यहीं कहीं रहती हो क्या? हैं? क्या करती हो? स्कूल में पढ़ाती हूँ। तुम हमेशा ये स्कूल टीचर ही बनना चाहते थे ना तुम? तुम्हें तो पता ही नहीं था तुम्हें करना क्या है। वैसे करते क्या हो? मैं बस ऐसे ही लोगों का पीछा करता हूँ, ढूंढता हूँ उनको, जैसे तुम्हें ढूंढ गया अभी। खुश हो? तुम्हारा हस्बैंड मेरे जितना प्यार करता है तुम्हें, हम सब कुछ फिर से शुरू कर सकते हैं। अच्छा अच्छा है, दोनों मिलकर बड़ा कर लेंगे।
तुम बिल्कुल बदले नहीं अनवर, अभी भी अपने अजीब से दुनिया में रहते हो। हमारी दुनिया बहुत अलग है। तुम तो मुझे बहुत प्यार करती थी, अब भी करती हो, तो फिर इतने आसानी से किसी और की कैसे हो गई? मुझे जाना चाहिए, बहुत देर हो रही है। आयशा, हम फिर से नहीं मिलेंगे? दरवाजा खुला था तो मैं। अच्छा, अंदर आइए। सुधा। हाँ? तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है, सुधा। किसने रखा? डैडी ने। एजेंसी से आपको ऑफिशियली फोन आएगा, वो सब कुछ बता देंगे आपको, लेकिन आप उनको ये मत बताना कि मैं यहाँ आ चुका हूँ। नहीं, क्योंकि अगर बॉस को पता चला मैं यहाँ आया हूँ तो मेरी नौकरी जा सकती है। प्लीज। बात क्या है, क्या पता चला आपको? यही कि आपके डैडी बहुत अच्छे इंसान थे, लोग उनको बहुत प्यार करते थे, चाहते थे उनको, चूंकि आपके डैडी थे ही ऐसे जिंदा दिल इंसान थे, लोगों की मदद करते थे, प्यार करते थे, और आपको तो स्पेशली बहुत प्यार करते थे। पर क्या बताइए? एक्चुअली वो डिप्रेशन के शिकार थे, ट्रांसफर करना चाहते थे कलकत्ता में आपके पास, लेकिन ट्रांसफर की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी थी, हमें तो ऐसा ही लगा था। हाँ, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं थे, वो जीसीडी में किसी के पास रहते थे। मिस्टर अनवर, मेरे पापा एक बहुत ही इज्जतदार आदमी थे और उन्हें मेरी माँ से बहुत प्यार था, कोई दूसरी औरत हो ही नहीं सकती। औरत नहीं, मर्द। क्या क्या? एक्चुअली आपके डैडी की किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप थी। क्या बकवास करते हो? बकवास नहीं। क्या क्या सबूत है आपके पास? सबूत? कौन है ये आदमी? सबूत तो कुछ नहीं है। तो फिर ये कहने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हम आपकी कंपनी में केस कर देंगे। निकल जाइए मेरे घर से, निकल जाइए मेरे घर से। देखिए, आप अपसेट मत होइए, जिसको जैसे जीना होता है वो जी सकता है, और आपके फादर तो बहुत अच्छे इंसान थे, और ये सब बातें तो होती रहती हैं। Shut up and just get out. I said get out. आपको प्रॉब्लम है कुछ? आपके डैडी हैं और हमेशा आपके डैडी रहेंगे, समझे? आप यहाँ से जाते हैं या मैं पुलिस को फोन करूँ? निकल जाइए यहाँ से। बेटा, उस तरफ जाना है, मेरी मदद करोगे?
कहाँ रहती हैं आप? यहाँ पास में ही। अकेले चली जाएंगी? हाँ। ठीक है। हाँ। हाँ। मेरे घर चलोगे? हैं? चलो ना। ठीक है। कहाँ रहते हो बेटा? नाम क्या है? यहीं बगल में रहता हूँ, वो भवानीपुर। नाम मोहम्मद अनवर। अरे बैठो बैठो, कहाँ जा रहे हो? मिठाई खत्म करनी पड़ेगी। हाँ, मैंने खुद बनाई है, पहले ये खाओ ये खाओ ये। हाँ। बिल्कुल मेरे बेटे जैसे दिखते हो। हाँ। वो कहाँ रहता है? आपके साथ नहीं रहता? बहुत दूर रहता है, दुबई। इंजीनियर है वह। तो आपसे मिलने आते हैं? कैसे आ सकता है, बहुत मसरूफ रहता है, बड़ी कंपनी में काम करता है, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं आती जाती रहती हूँ अक्सर। आप अकेले जाती हैं? हाँ, और कौन जाएगा मेरे साथ? मैं बहुत घूमती हूँ। सुबह गई थी अपनी पोती का जन्मदिन मनाने। हाँ। हाँ। शाम को लौटे। क्या समझे? समझे कुछ? कभी बनारस, वो जहाँ हमारी पुश्तैनी हवेली है, वहाँ जाती हूँ, वहीं तो मैं पली बड़ी। और दूसरे दिन कुल्लू मनाली। 16 साल की थी जब मैं वहाँ गई थी हनीमून मनाने। ये मेरे पति देव। हाँ, बहुत सुंदर थे और बहुत प्यार करते थे मुझे। खैर छोड़, अब तो मैं रेगिस्तानों में जाती हूँ, जंगलों में जाती हूँ, सैर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, दिल किया और निकल पड़े बस। अनवर, बच्चे, तुम नहीं जाते कहीं हैं? चलो चलो निकल पड़ो, हजारों मील का सफर सिर्फ एक कदम से शुरू होता है। हाँ। गोपाल, खाना ने खाया तो उसने? तू नहीं होता है तो कुछ खाते ही नहीं है। कल रात को मटन दिया, छुआ तक नहीं अड़िया ने। नहलाया? मुझे नहाने का टाइम नहीं, उसे कैसे नहलाऊं? देख देख कितनी भीड़ है। घुमाने ले गया था? नहीं, घुमाने नहीं ले गया। 3 दिन से कमरे में बंद पड़ा रहा यार। बॉस मुझे छोड़ते ही नहीं, मैं क्या करूं? पोटी की? अब अगर कमरे में की होगी तो मुझे पता नहीं। यार, चाबी दे चाबी। ये ले ये ले। है कौन? इधर आ।
यहाँ 3 दिन से भूख हड़ताल मचा रखी है, हैं? खाना नहीं, पोटी नहीं, कुछ नहीं। घर में बंद पड़े रहने का मतलब क्या है? मुझे बाहर निकलना पड़ता है काम के लिए, वरना गुजारा कैसे चलेगा? तो ये खाएगा कैसे? चल के बाहर निकलते हैं, बोल कहाँ जाना है? मथुरा, बनारस, कश्मीर, दार्जिलिंग, बोल। अरे हाँ, आज एक बुढ़िया मिली थी, उसके घर पे गया मैं, उसने खाना दिया बराबर में खड़ी हुई जैसे अम्मी खड़ी हुआ करती थी, थोड़ी अलग हटती थी। बोली, मैं सुबह सुबह निकल जाती हूँ और शाम को आती हूँ। मैं कमा लिया, चल हम भी निकलते हैं, ना लोगों की लाइफ में ताक झांक, ना उनका पीछा। ऐसे जगह पर निकलते हैं जहां तू जी भर के जी सके, खा पी सके, पोटी कर सके, तोड़ सके और जी भर के सेक्स कर सके। हर रोज नहीं कुत्ता ला के दूंगा तुझे, बोर हो गया तो बोल, कुत्ता ला के दूंगा, बोल क्या चाहिए। डार्लिंग उधर देख, सुन ना, तेरे बिना मैं नहीं रह सकता, बोल ना। आई लव यू। पता है डार्लिंग, सुधा के घर गया था, कितनी प्यारी है, ऐसे जैसे आसमान के हूर। बहुत मुस्लिम मुस्लिम सा लग रहा है, हाँ ऐसे जैसे सुंदरता की देवी। बहुत हिंदू हिंदू लग रहा है साला। लालू तो क्या है, हिंदू के मुस्लिम है? मैं पता नहीं। सुधा के बाबा नहीं रहे, लेकिन सुधा अपने बाबा को बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो गे निकले। गे का मतलब समझता है, मर्द के साथ सोने वाला मर्द। लेकिन सुधा के बाबा तो सुधा की माँ के साथ भी सोते थे। अब ऐसे मर्द को क्या कहते हैं भाई साहब, पता नहीं। मैंने सुधा को साफ साफ बोल दिया, क्या छुपाना, मैं तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे इंसान हैं, सिर्फ एक इंसान के साथ सोने से तो क्या वो बुरे होगा? अरे कुदूर के अबू, आधा किलो सेवैयां ला देना जरा। याद आ रही किसी की? अरे सुन रहे हो कि नहीं, पहले प्यार की लेपी पीपी। काफिर, मुसलमानों को शराब पीना मना है, ये गुनाह है। शराब पीना है तो ये जगह छोड़नी पड़ेगी, समझे? आजा लल्लू, आजा बैठ डाल। हाँ पता है, आयशा से मिला, जितनी खूबसूरत वो कल थी उतनी खूबसूरत वो आज भी है, पर उदास है। ये आसपास के लोग उदास क्यों होते हैं? पता है उसने मुझे किस किया? यहाँ ऑटो पे पता है, प्यार करने वाला जब चूमता है ना तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो, सूरज बादलों में छुप गया हो,
सब कुछ हल्का हल्का सा लगता है। चलो और सब यहाँ मेरे साथ। तो कुछ नहीं जानता, तुझे नहीं पता दिल का टूटना क्या होता है, तुझे नहीं पता मोहब्बत क्या होती है, तुझे नहीं पता चुमना कैसा होता है। लालू, तुझे कभी किसी ने चूमा है? अनवर, 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 दरवाजा खोल। नहीं खोलना है। अनवर, अनवर, मुझे। अनवर, पैरा हो गया क्या? अनवर, हे, अंदर जाओ। अनवर। तू समझता है तू क्या कर रहा है? तू इस इलाके में शराब नहीं पी सकता, क्या समझा? पहले से ही आगाह करता हूं। अरे परिवार वाले रहते हैं यहाँ, अरबियों का देश होता ये तो अब तक पत्थर फेंक फेंक कर मार डालते तुझे। और हाँ सुन ले, कुत्ता नहीं चलेगा यहाँ। कुत्ता कौन? कौन कुत्ता? चुप कर। ये तो लालू है। चुप कर। यहाँ रह रहे हैं तो दायरे मेरे, वरना चलता मन। आप चिंता मत करो, मैं कुत्ते को आदमी बना दूंगा। हक्के मार के निकाल देंगे, समझा? साहब जी ये ऑफिस। ओह माय गॉड, हम किसानगंज से आए हैं, नाम बैजू। आपको कुछ करना पड़ेगा साहब मेरे वास्ते। आओ आओ अंदर आओ, बैठो। आप शांति से बताओ क्या बात है? पानी मिलेगा? हाँ। अरे एनीथिंग एल्स? तुम बैठो वहाँ। ओके सर। हाँ अनवर। हाँ पीट के मत आ जाना। घर तर के छोड़ा था। अच्छा अब बोलो आपका पैसा कितना होगा साहब? पैसा बता, छोड़िए आप काम बताइए। अनवर सॉरी सर। हाँ एक मच्छी डाल दे भाई। यस। आप नहीं खाओगे साहब? कोई पे है? मैं शाकाहारी, खास कुछ खाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है आज, थोड़ा ज्यादा लग रहा है। आप मेरे लिए मंगवा लिए इतना सर? मैं आपको जाके सब जाता हूँ साहब। खाओ आप खाओ। ओए। अच्छा आपका बच्चा जहाँ काम करता था हाँ उसका पता है? है ना साहब, पिछले 6 महीने से मैं ही तो उनके रुपया उठाने के लिए जाता था। पिछले महीने जब गए तभी पता चला कि मेरा लड़का बाजार गया तो गया, फिर लौट के नहीं आया। इस शहर के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, फिर भी गली गली चप्पा चप्पा छान मारा। उस घर के सामने जाकर बैठा रहा पर वो कुछ भी नहीं बताया। स्त्री के लिए कपड़ा देते लेते हुए वो मुझे देखा लेकिन एक लफ्ज भी नहीं बोला। उम्र कितनी थी उसकी? 11 लगा अभी। इतनी कम उम्र के बच्चे से काम करवाते हो? तो फिर और क्या करूं साहब, मुझसे मेरा पेट भरा नहीं जाता। बाढ़ ने घर बार तोड़ दिया, बड़े लड़के को लॉरी ने कुचला, तो मैंने सोचा कि छोटे को कहीं काम पे भेज दूँ, दो पैसा भी कमाएगा और पेट भी भरेगा। तो उसके बॉस ने पुलिस में इन्फॉर्म किया? हाँ पुलिस में एफआईआर किया है। थे? फिर पुलिस बोलता है कि कोई सुराग नहीं मिला,
और अपने FIR दर्ज कराई। कोशिश किए हैं साहब, लेकिन पुलिस कहती है कि एक केस में दो दो डायरी बनती नहीं। वो तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। मंत्री के बेटे के पास जाकर मैं बताना चाहता था, पुलिस के पास गिड़गिड़ाया, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता। साहब आप ही कुछ करिए ना साहब। वो कर देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा तो लगेगा ना। मैंने भर दिया साहब, आपने देखा नहीं? देखा, कहाँ से आया इतना पैसा? जमीन बेच दी साहब। और आप खाओगे क्या? क्या पता, अपने लड़के को ढूंढ निकाला तो इस बार किसी और जगह पे काम पे भेज दूंगा। और नहीं मिला तो? जरूर मिलेगा साहब, भगवान गरीबों पे मेहरबान होता है। साहब और चावल लूंगा। सॉरी, मैं मोहम्मद अनवर, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। इनका बच्चा जो आपके यहाँ काम करता था उसके बारे में पता करने आया। नमस्कार, थोड़ा पानी। अरे इन्हें जरा पानी पिलाना भाई। देखिए, मुझे जो कुछ भी पता था सब मैंने इसे बताया। वो बाजार से लौट कर घर में नहीं आया तो हम क्या करें? पुलिस को भी मैंने सब बताया, जांच पड़ताल भी हो गई, मिलता है तो लौटा देंगे। पानी। देखिए मैं अभी बिजी हूं, घर में कोई आया है, हैं? जाओ जाओ जाओ। सर एक मिनट, बात तो सुनिए। मुझे कुछ कहना सुनना नहीं है, आप लोग जाओ यहाँ से प्लीज। सर एक मिनट। हेलो हेलो, सुनिए ना। यू है? हाँ, ओनली यू, प्लीज 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 कम। हाँ हाँ, आइए आइए प्लीज। मैं सुदेश कुमार हूँ। मैं मोहम्मद अनवर, प्राइवेट डिटेक्टिव। हाँ हाँ, मालूम है मुझे। वो आदमी मेरा किरायादार है, पिछले 7 महीने से किराया नहीं देता मुझे। अरे पिछली बार जब मंगा उल्टा बरस पड़ा मुझ पर, नहीं दूंगा किराया, जो करना है करो। सुनिए ना, वो आदमी दरअसल क्रिमिनल है। क्रिमिनल? हाँ, मैं पक्का तो बोल नहीं सकता पर यकीन है कि वो है, और कुछ भी नहीं हो सकता। अरे जब देखो इधर उधर से बच्चा लाके जमा करता है, और कुछ दिन बाद सारे के सारे बच्चे गायब। अरे कहता नी बतिया माने पारी कहनवा, अरे सनहमरी, अरे सनहमरी कलजुंगा के जमनवा, अरे सनहमरी कलजुंगा के जमनवा, सनहमरी कलजुंगा के जमनवा, सनहमरी कलजुंगा के जमनवा, सन हमरी कल चुंगा के जमनवा, सन हमरी कल चुंगा के जमनवा, सन हमरी कल चुंगा के जमनवा। पिता के बचन मानी राम गैल बनवा, पिता के बचन मानी राम गैल बनवा, कला जुग में बेटा नहीं, कला जुग में बेटा नहीं, मान कहनवा, सन हमरी कल जुंगा के जमनवा, सन हमरी कल जुंगा के जमनवा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। उस्ताद कौन घराने का गाना गा रहे हो? हमको सिखाओगे?
ये खली भाई कह रहे थे क्यों कुछ काम है उनसे। अच्छा क्या उखाड़ना है? उखाड़ना कुछ नहीं यार, कुछ काम है उनसे। तो जाना खुद ढूंढ लेना। अरे कलम में खा रहा तीन कलम में मरेगा, मरेगा घर में मरेगा भूमि मरेगा, अरे घर में खा रहा बाहर मरेगा, अरे कलम में खा रहा तीन कलम में मरेगा। ये खली भाई कह रहा है ये गली के पीछे इधर। हाँ खलील भाई। वालेकुम सलाम। कौन हो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? जी मोहम्मद अनवर। नमाज पढ़ा तुमने? देखो भाई, मजहब इस्लाम में हर मुसलमान पे 5 वक्त का नमाज फ़र्ज है और उसे अदा भी करना है। अगर कोई नहीं करता है तो वो गुनाह करता है। बहरा बताओ क्या काम? जी मैं गोपालगंज के जो मकबूल हैं उनका बेटा हूँ। मकबूल? कौन मकबूल? आपकी बहन के मतलब आपके ससुर की जो बहन थी उनके बेटे। हाँ 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 याद आया। कैसा है मकबूल? और तुम्हारी अम्मी? वो दोनों गुजर गए बहुत पहले। खलील भाई आपसे कुछ मदद चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ। बोलो क्या मदद कर सकता हूँ। आओ 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 अंदर आ जाओ, दरवाज़ा बंद कर लो, बैठ जाओ। हाँ बोलो। अरे घबराओ मत, ये सब अपने लोग हैं, तुम खुल के बात कर सकते हो। अरे कहाँ भाग रही है? अब बोल। अरे इकबाल बोल रहा हूँ। हाँ भाई। ओए अरे कहाँ जा रहे हो? हाँ बस आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। आग तो तूने लगा दी, अब तू ही बुझा दे। खलील भाई ने बोला इसको तुझको लेके जा रहा हूँ, वरना मैं आजकल इस बिजनेस के डील में नहीं पड़ता। सारा सारा चुतिया पाया। हाँ लेकिन धंधे में नजर रहती है हमारी, कौन करता है क्या करता है सब मालूम। हाँ मैंने उस शंकर को फोन करके बोल दिया है एजेंट को लेके आ रहा हूँ, उस पर शक नहीं करेंगे बोलो। लेकिन रिस्क तो बढ़ता ही है, शंकर बहुत खतरनाक है। तू उधर चुपचाप बैठना, कुछ बोलना नहीं। हाँ भाव तो नहीं बजो चिक चिक एकदम नहीं। मैं बात करूँगा और बात करके तुझे बता दूँगा, ठीक है? क्या नाम बताया तुमने बच्चे? भरत मैथी। हिंदू? हाँ क्यों? अरे पूछना पड़ता है रे, रोज का है। चल गुड लक रहा तो मिल जाएगा, वरना ये हरामी लोग ज़्यादातर बच्चों को एक जगह में ज़्यादा दिन रहते नहीं, घुमाते रहते हैं। अरे तुम आओ, अंदर आओ ना, आओ आओ। बैठो बैठो। कितनी बार मैंने तुमको याद किया। हाँ कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। और तुम? ठीक हूँ बढ़िया। ना ना ना
तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो हैं? ये चोट के निशान कैसे? ये तो बस ऐसे ही थोड़ा सा कुछ किसी से झगड़ा किया है क्या? नहीं नहीं ये लो, ये जादुई मरहम है, सोते वक्त लगा लो और सुबह दर्द सब गायब। हाँ तो कल कहाँ हो आई आप और आज? आजकल मेरा घूमना फिरना बहुत कम हो गया, थोड़ी बीमार थी ना, परसों जौनपुर गई थी, शाम को लौट आई, नहीं टिक पाई वहाँ पर। क्यों? आ, पता नहीं, कभी अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे सीने में दर्द। हाँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी और फिर निकल पड़ूंगी हमेशा की तरह घूमने। पहले बिलासपुर जाऊंगी बड़ी बहन के पास, और बिलासपुर से सोचती हूँ गुवाहाटी जाने के लिए, और गुवाहाटी से तुम इतने दिनों में कहीं नहीं गए हैं? गए थे नानी के घर पे। अच्छा, खूबसूरत सी हवेली है किराने के बीचों बीच, हवेली के सामने दूर कहीं पहाड़ है और एक आध मेरे ख्याल से कोई पेड़। नानी के घर में एक बड़ा सा भोपू वाला ग्रामोफोन था और हमारी खाला हमें सुलाने के लिए अक्सर रात में रिकॉर्ड लगा देती थी और खुद ही नाचती रहती नाचती रहती। खजाना था बड़ा सा भोपू नानी का, उसके अंधेरे से लंबे से गले में पता नहीं क्या क्या चीजें निकलती थी, बहुत सारे खत, चाबी के गुच्छे, रेसगारी, छोटे सिक्के, पता नहीं क्या क्या निकलता था। ठीक से होमवर्क किया ना? जल्दी चलो। करने की जरूरत नहीं है, मेरा हाथ छोड़ के क्यों भागा? स्कूल के लिए लेट हो जाता तो फिर कभी ऐसा नहीं करना। हेलो हेलो हेलो, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ मैं आपको स्कूल ले जा रही हूँ। हाँ थोड़ा सा लेट है, उसके ट्यूशन क्लासेस भी होते हैं सुबह। हाँ वो ठीक है। और ये कैसा नंबर है तुम्हारा? मोबाइल किधर है? एक महीने से बंद पड़ा है। हर बार अलग अलग नंबर से क्यों फोन करते हैं? एक भी नंबर कोलकाता का नहीं है। कहाँ हो, कैसे हो, कुछ बताते नहीं। कभी सोचा है मुझ पे क्या बीत रही है? कब तक मैं लोगों से कहती रहूंगी कि तुम टूर पे गए हो? तुम किसी की नहीं सुनोगे, किसी के बारे में नहीं सोचोगे, अपने बेटे के बारे में भी नहीं? क्या तुम्हें अपनी मर्जी से जीना है? गलती की है मैंने तुमसे शादी करके। यस, मैं मालिनी शुक्ला। टेल मी, मेरा अपॉइंटमेंट था तो? ओ हाँ प्लीज। आ,
आप दयाशंकर जी हैं? हाँ, एनीवे आप काम बताइए। वो क्या है कि गुड मॉर्निंग सर। मैं उस यस मैम, आई एम दयाशंकर जोशी, ओनर इनर आई डिटेक्टिव एजेंसी। क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? मैं मालिनी शुक्ला। वो आज के पेपर में आपका एक एड देखा तो ठीक है। कुछ चाय कॉफी लेंगी? नो थैंक यू। अब बताइए क्या बात है? वो बात है कि मुझे किसी को ढूंढना है। फीस कुछ भी हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बस काम होना चाहिए। काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। इनर आई डिटेक्टिव बहुत पॉपुलर हो चुकी है। इनके जो फादर थे वो लास्ट शर्लोक होम्स थे, ट्रस्ट मी। बताइए माजरा क्या है? मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हूँ और मेरे हस्बैंड अमोल शुक्ला एक बड़ी डिटेल कंपनी में एग्जीक्यूटिव है। हमारा एक बेटा भी है। देखिए मैडम, मिस्टर शुक्ला कितने भी बड़े अफसर हो, हम भी किसी से कम नहीं है। सुबह घर से निकलने से रात घर आने तक की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी फोटो के साथ। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली एक महीना हो गया वो घर छोड़ के चले गए। एक दिन अचानक ऑफिस में रिजाइन कर दिया और फिर गायब हो गए। पुलिस में खबर की? नो, एक्चुअली इट्स वेरी पर्सनल। और वो गुमशुदा नहीं है, मतलब फोन करते हैं कि अब वो कैसा है, कैसा चल रहा है, खबर लेते हैं। अब वो हमारा बेटा। अजीब है, आपने उनसे कभी पूछा नहीं कब वापस आएंगे? पूछा तो है, कुछ बताते नहीं। कहते हैं कि मन हुआ तो चलाऊंगा और फिर फोन काट देते हैं। आपके पास वो फोन नंबर्स हैं जहां से वो फोन करते हैं? हाँ, बहुत सारे नंबर्स हैं और मैंने ट्राई भी किया है। ज्यादातर पब्लिक बूथ्स के नंबर हैं और अलग अलग जगह के। कोई बात नहीं, डोंट वरी, वो लिस्ट हमें दे दीजिए फोन नंबर्स की, हम आगे देख लेंगे। ठीक है। ओके। एक खास जानकारी मैडम, आपके संबंध कैसे थे? अच्छे तो थे ना? आई मीन कोई दूसरी औरत? I don't know, शायद वो तो आपको पता करना है। हेलो, अभी इस नंबर से एक फ़ोन आया था, जिन्होंने फ़ोन किया था वो अभी है क्या? गोरा लंबा, नाम है अमोल। अच्छा, ये कौन सी जगह है? थैंक यू। टैक्सी, टैक्सी। एक आदमी है, मतलब हमारे जैसा नहीं है, अच्छा खासा है, बीवी बच्चे हैं, घर है, नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन छोड़ के चला गया, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई। और हमें भी छोड़ के जाना पड़ेगा। पता है उस बूढ़े को देखा, कितना गुस्सा हो रहा था हमारे पे। कभी कभी तेरे बारे में सोचता हूँ कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। बहुत अरमान थे कि तुझे ट्रेन करूँगा, शहर का बेस्ट डॉग बनाऊँगा, हर शो तुझे देगा, हर आदमी तुझे देखने के लिए आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। इधर आ, सब कुछ नहीं हो पाया, बस बस रो मत, आराम से। तुझे बहुत प्यार करता हूँ मैं,
है? तो पता है शराब बिल्कुल नहीं पीता था पर अभी मेरे से ज्यादा पीना आज ना तेरे साथ पार्टी करूंगा शराब के साथ कोक पिएगा ना शराब के साथ कोक अच्छा कॉम्बिनेशन है ना तुझे बहुत प्यार करता हूँ मैं और उसके बाद मेरे से दूर चले जाना क्योंकि मेरी जिंदगी साली वैसी मनुष्य मैं नहीं चाहता तेरी जिंदगी मनुष्य हो मेरी तरह है ना पिएगा ना रम विद कोक आज तेरी लाइफ को स्पेशल बना दूंगा मैं स्पेशल खाना और स्पेशल पीना कोक से ट्राई करते हैं लालू लालू हाँ ये ले चेस लालू उदासना बोल क्या चाहिए डांस करूं स्ट्रिप्टीज करूं हैं देखना मेरे स्ट्रिप्टीज देख रहा हूँ वही तू देख रहा है ना क्या तुम सच में यहाँ से जा रहे हो है? कहाँ जाओगे अपना नया पता मुझे दोगे अरे तुम तो डिटेक्टिव हो और डिटेक्टिव तो सब कुछ कर सकते हैं दोनों हाथों से बंदूकें भी चला सकते हैं पढ़ा है मैंने मुझे ना डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है खूब अच्छा लगता है तुम्हारा नाम क्या है हाँ नफीसा तुम्हें ना जो दरवाजे के बाहर छुप छुप के आती हो देखती हो तुम तो डिटेक्टिव हो तुम्हें तो सब पता होना ही है अच्छा तुम्हारे पास पिस्तौल है पिस्तौल सारे डिटेक्टिव्स के पास होती है मैंने सच्ची मुच्ची की पिस्तौल कभी नहीं देखी प्लीज एक बार मुझे दिखाओगे क्या
मैं हूँ रिस्की, सोडा विस्की, साबुन पाउडर फेयरनेस क्रीम, हम और वो हमारे दो, मैं बन गया पूरा हॉकी टीम। मैं हार्ट टिमा टिम 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 टिम, तू हार्ट टिमा टिम 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 टिम, दिल हार्ट टिमा टिम 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 टिम, सब हार्ट टिमा टिम 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 टिम। Dim a dim 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 dim a dim. संडे बोला पैग बना दू, लेग पकड़ के बिनती की, संडे का अब मूड जो बिगड़ा ना, पीने की मिनती की, मिनती की, मिनती की, ना पीने की मिनती की। सेंटी होकर मैं चला घर, किसकी रातें उसके बिन, बाहर रफ एंड टफ लेकिन हूँ अंदर वनीला आइसक्रीम। हार्टी मार्टी टिम 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 को, हार्टी मार्टी टिम टिम टिम, दिल हार्टी मार्टी टिम टिम टिम, सब हार्टी मार्टी टिम टिम टिम। मैं हार्टी मार्टी टिम 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 को, हार्टी मार्टी टिम टिम टिम, दिल हार्टी मार्टी टिम टिम टिम, सब हार्टी मार्टी टिम 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 टिम। जेनविन कुत्ता है, आपको क्या लगा? उम्र 8 साल 2 महीने। कीमत 5,000। 4 9 बार्गेन। अरे कुत्ता बुढ़ा है। हाँ तो नहीं, ठीक है, कुत्ता बुढ़ा है, मैं भी बुढ़ा हूँ, दोस्ती अच्छी बनेगी। चलो 5,000। देख लो, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, सर सर एक्सक्यूज मी, आपके पास कार्ड है? कार्ड? थैंक यू सर। सर आप लेते हैं, मतलब पीते हैं? ये भी पीता है, इसको रम बहुत पसंद है, तो आप बीच बीच में इसको पिलाते रहना, वो आपको कंपनी देगा ये अच्छी। ठीक है सर।
सर मैं अगर कभी आप आपके पास आऊं उसको देखने के लिए तो आप अलाउ करेंगे ना मुझे? थैंक यू सर। सर एक काम कीजिए, ये पैसे रखिए, मेरी तरफ से इसको ट्रीट दे देना सर। रखिए सर। लालू, 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 जिनका बेटा दुबई में काम करता था, वो जो अकेले रहती थी। मुझे नहीं पता भाई, मैं पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे रह रहा हूँ। ज़रूरत पड़े तो आप मकान मालिक से पूछ सकते हैं।
यस सर, जस्ट पहुंचा हूं सर, अभी चल रहा हूं। यहीं कहीं लॉज वॉज का इंतजाम करता हूं सर रहने के लिए, और जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है आपको अपडेट करता हूं। हाँ ठीक है सर। क्या जगह है, ऐसा लगता है यहाँ की है ही नहीं। अजीब सी पिक्यूलियर सी आवाज़ें हैं सर। क्या पिक्यूलियर? नहीं नहीं मतलब सब फैमिलियर सी आवाज़ें, ऐसा लगता है जैसे। हेलो सर, बचपन में जब मैं नदी के किनारे जाता था तो उसको तैर करके पार करता था, तो बड़ा सा मैदान आता था वहाँ पे, हवाओं की साए साए करती आवाज़ें, ये आवाज़ें मुझे अपने बचपन में लौटा रही हैं सर। क्या बोल रहे हो? सर मैं हमेशा अपने काम वापस लौटना चाहता था, ऐसा लग रहा है सर, क्या बताऊं। हेलो अनवर, क्या बात कर रहे हो तुम? जिस काम के लिए गए उस पे ध्यान दो। ओके सर। और वो अमोल शुक्ला को ढूंढ निकालो जल्दी। ओके सर बिल्कुल, मैं बताता हूँ सर। हाँ ठीक है, मैं फिर से फोन करता हूँ। ठीक है सर। हेलो हेलो अनवर, अरे तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? सर वो सुनाई नहीं दे रहा था सर। क्या रेत भरी पड़ी है कानों में? नहीं सर, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम था। तुम क्यों बोल रहे हो? कितने कॉल्स किए मैंने, उठाते क्यों नहीं? सर वो मिस कॉल। अरे और हेलो सर, सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, हाँ नेटवर्क आ गया सर, सुनाई दे रहा है। बोलिए सर, सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है सर, बोलिए। पहले कभी काम किया है क्या? तो नहीं पर सीख लूंगा, बटन लगाना जानता हूँ, पैंट शर्ट भी सीख लूंगा। अरे पागल है साला। नानू, मैं किसी दूसरी औरत के साथ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो ये चाहती हैं कि आप घर वापस लौटाएं। वैसे घर छोड़ने वालों के बारे में लोग ऐसा ही क्यों सोचते हैं, कुछ और भी तो हो सकता है। क्यों आप जाना नहीं चाहते क्या? देखेंगे, वैसे लौट भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ ऐसा ही होगा एक साथ। लाइफ सबकी ऐसी होती है, मेरा काम है लोगों का पीछा करना और पिछले 10 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ।
तुम कुछ और भी कर सकते थे। हाँ शायद, पर नहीं कर सका। लेकिन आपकी तो जिम्मेदारी है, बीवी बच्चे हैं। हाँ, मेरा मन नहीं है वहां जाने का। नौकरी है आपकी, रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, उनका क्या? मैं ही खुश हूँ, मुझे उनकी याद नहीं आती। और आपका बेटा अप्पू? अप्पू अगर कभी गया तो सिर्फ अप्पू के लिए ही जाऊंगा। आप यहीं बसना चाहते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, कहीं और जाऊंगा। कहाँ? बस जहां जिंदगी ले जाए। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब सोचता था अंटार्कटिका पे जाऊंगा, वहां नॉर्थ पोल पे कहीं घर बनाऊंगा, वो इग्लू इग्लू में रहेंगे, फिर इस्किमो लड़के से शादी करूंगा और खूब बच्चे खाएंगे खूब। फिर कहीं और, किसी दूसरी जगह। कहाँ चल दिए? अभी आया। हेलो, अमोल, 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 देख देख उन बूढ़ों को देख, गुजरे हुए साल हो गए लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे अब्बू अम्मी को साइकिल पे बैठा के खत पढ़ रहे हैं।
यहीं कहीं आसपास। अजीब है। आयशा, तुम्हें वापस नहीं जाना, कुछ और चाहिए? तुम्हें देखना है। पहले कभी किसी को देखा नहीं क्या? तुम्हें ही देखना था हमेशा। Thank you.
कहाँ चुन लिए हैं चुन लिए मंजिले ये प्यार की बुन लिए हैं बुन लिए सपने बहार के मुस्कुरा मुस्कुरा है दिले तू मुस्कुरा 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 है दिले तू मुस्कुरा बहती फिजाओं ने झुकती घटाओं से कुछ कहा मेरी निगाहों ने तेरी निगाहों से कुछ कहा तेरी इरादों ने मेरी इरादों से कुछ कहा